तो जैसे मतलब गर्री रेन सेन है जे की तो मान लो के मैं जो चूड़ी मणिया रो व्यापार करा तो व्यापार मत बात ठीक है व्यापार मत करो। तो चूड़ी मणिया रो व्यापार करते करते खासा सालों करता। अच्छा एक बीच बात पूछो उठाओ कहां से उठाओ के ठेडू के तो ठेडू के तो ठेटू ठेटू में हां मक्खन साला बाणा मक्खन साला बाणा हां जे जैसे गुरु नानक साहब के पुजारी थे तो मतलब मूल पंजाब जो इतिहास रे मैंने यूं लिखो है कि मतलब जैसे महादेव जी के जो अनेकों गण थे उन गणों में से पांच गण जो बड़े सुंदर बड़े तेजस्वी और बड़े सूरवीर थे जो वे पांच ही गण आके और शिव जी के सामने वे उपस्थित हुए थे तो शिव जी ने उनको घर की देखभाल के लिए मतलब रख लिया। ठीक है तो वो सिंह की देखभाल करना वो सरोवर की देखभाल करना घर की देखभाल करना यूं करते करते कई सालों से वो रह रहे थे। तो इंद्र से अप्सराएं आई पांच जो शिव जी के मंदिर में आके और वो स्नान करने लगी तो उनको वो पांचों गणों ने उनको मना किया कि भाई इस सरोवर के अंदर आप स्नान मत करो। ठीक है तो उन्होंने एक बार वो ध्यान नहीं दे के वो चली गई तो फिर दोबारा आ गई तो उनको पांचों अप्सराओं को पकड़ के और शिव जी के सामने ले जाके और उपस्थित की तो शिव जी ने उनको फिर मना किया कि भाई तुम इस सरोवर के अंदर फिर दोबारा स्नान मत करना। तो वो तीसरी बार वो स्नान करने आई तो वो जाके और शिव जी के सामने उपस्थित करके बोला कि महादेव जी आपके ये जो आज्ञा का पालन नहीं किया है और उल्लंघन किया है तो शंकर भगवान ने पांचों गणों को वो पांच ही जो अप्सराएं थी उनको शादी कर दी। तो वो अप्सराएं इंद्रलोक की थी जैसे मान लो वो उड़ के आकाश में चली जाती थी तो जैसे वो महादेव जी ने मंत्रित कीलियां करके एक एक फुट की और सिर में बांध दी थी जैसे मतलब अबार जो राइकर है पहले हमारे उसी तो उनको उनके सिर के अंदर वो बांध दी मंत्रित करके तो उड़ के और वो इंद्रलोक में न जा सके। तो यूँ करते करते उनके बच्ची बच्चे हो गए वो घरबारी बन गए उनके बाद में वो कई सालों से वो कीलिए थी और फिर बाद में उनकी जो ताकत हट गई तो उनकी भी कीली निकाल दी गई। तो काफ़ी सालों के बाद में वो शंकर भगवान ने कहा कि भाई ये बेल है इनके बेल के द्वारा ही आपने आपका उपार्जन उपार्जन करके और आपका पेट पालन करो और बेल के द्वारा आप कर सकते हो। उसी दिन से जाके और वन में जाके रहे जंगल में तो वन नायक बने वन नायक जैसे मान लो मैं गवारियां हूं मारी मान लो के गोर बंजारा री पद्मी है नायक पद्मी बुलावे जैसे मान लो पंच जो कहते हैं पंच ने के नायक ओके कौन है मतलब पद्मी है नायक जैसे गण नायक और एक वन नायक है ग्रेड है क्या बात हां तो ये शंकर भगवान की मतलब उपस्थिति थी हम पैदा वहां से पैदा ही साहब हां अच्छा तो मैं बात बताऊं तो क्या हुआ कि वो जाके और वन में रह गए वन में जाके और पांच झाड़ों के नीचे जाके वो डेरा लगा दिया। डेरा को बोलते हैं टांडा डेरा हाँ डेरा से उसको बोलते हैं टांडा लगा के बैठ गए। काफी सालों से वहां रह गए तो वो मतलब वन में जाके रहे नहीं जैसे बन जा रहा क्या हुआ तो हम गोर बन जा रहा हमारी अब गोर का क्या मतलब गोर मतलब गवारिया गोर बन जा रहा जैसे गोर गोरी हमारे जो शंकर गोरी शंकर है ना उसी से उपस्थित भाई मतलब हमारी जो ये उत्पत्ति है ना वो शब्द हमारे वो साथ में चलता है गोर बन जा रहा। तो वहाँ जाके रह गए उनके बाद में क्या हुआ कि भाई मान लो वो गोर बन जा रहा हमारा नाम पड़ गया तो आज दिन तक हमारी जो जाति के अंदर गौर और गौरणी के अलावा कोई जाति के अंदर ग्वार ग्वारणी नहीं बोलते आपस में ग्वार ग्वारणी बोलो। और हमारी जो मान लो जो ठेठ से जो उत्पत्ति है तो शंकर भगवान से ही है और हमारी जो मतलब माताएँ हैं वो अप्सराएँ थी। आज हमारी जो स्त्रियों के इतना वो जो ये निकालते हैं कसीदा किसके घाघरा के
तो किसी और के नहीं है। हाँ सही बात है, ठीक है। और जो अप्सराएं जो आज देवी देवताएं हैं, जो वो मतलब उनकी जोग माया है, उनके आप देखो जो इतना वो कसीदा है, तो ये हमारे अप्सराओं की निशानी है। तो ये हमारी उपस्थिति तो वहाँ से अच्छा ठीक है। फिर कैसे गुरु नानक से आपका क्या हुआ, कहाँ से वो जुड़ा हुआ? हाँ, गुरु नानक से हम जब से जुड़े हैं, जैसे जो आगे आपने आपको हमने बात बताई है, इस बात में मतलब क्या हुआ कि जो गोसाई बाबा था ना, गोसाई बाबा का चेला था, उस चेला के हमारे जो वो पांच ही गण थे ना, उनका परिवार उनके चेले के चेले थे, गोसाई के चेले के चेले बन गए, वो चेले के चेले बन गए थे। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि उस टांडे के अंदर मतलब वो आदमी जा रहे थे बाहर धंधा करने के लिए डेरे से और औरतें वहाँ घर पे रहती थी, तो वो गोसाई बाबा का चेला मान लो उनका तो गुरु है। अच्छा, उस समय धंधा क्या था? उस समय धंधा था जो ये लून था, नमक इसको बेल के द्वारा ही इधर उधर ले जाके बेचते। जैसे मान लो जो आज ये एजेंसी है, तो हर धंधा हमारा वो एजेंसी के रूप में चलता था, एजेंसी के रूप में वो बाल्टे लादती थी, मतलब 500 थी, 1000 थी, 2000 बाल्टे थी, तो वो उनको दे दिया करते थे, भाई आज मान लो इस देश से उस देश को पहुंचाना है, जो हर वस्तु पहुंचानी है। तो शुरुआत में हमारी जो नमक से ही चलो ये शुरुआती धंधा नमक का था। ट्रांसपोर्ट का, और उसके साथ कौन सी चीज़ें और नमक के बाद में मान लो जो हमने धंधा हमारा जो करते थे, तो हर सार्वजनिक जो वस्तुएं होती थी बाजार के अंदर, भाई इस देश में जो नहीं है वो उस देश से लाते थे। अच्छा ठीक है, अपन फिर वापस वहीं आते हैं गुरु नानक से। हाँ। तो वो फिर पांच चेले उस गोसाई के चेले के चेले बन गए। हाँ, चेले बन गए। तो वो गोसाई जी का चेला उनका गुरु था, वो गुरु आके और जो उनको शिक्षा दे रहे थे किनको, कि औरतों को, वो तो गुरु समान था, और वो आदमी बाहर गए हुए थे, तो उन्होंने ये सोचा नहीं कि भाई यहाँ गुरु बैठा है, तो वो बाहर से आए तो कि एक आदमी है और औरतें इनके पीछे क्यों बैठी है, तो वो क्रोधित होके आए, उन गुरु को उन्होंने मार दिया, गुरु को खत्म कर दिया। खत्म करने के बाद में उनको पता चला थे कि ये तो गुरु था, तो गोसाई बाबा को मालूम पड़ा कि भाई ये क्या हुआ, उनको बुलाओ। तो वो पांच गण वो और उनके परिवार वो सारे वहाँ जाके, और उनको पता चला कि वो जाके और हाथ जोड़ के बोल दिए कि गोसाई बाबा हमारी गलती हो गई और हमने उनको मार दिया। तो बाबा ने और तो कोई मान लो दुआ दी नहीं, और एक ही दुआ दी तो कि तुम गवार हो, जैसे गोर बन जा रहे थे, तुम गवार हो, गवार हो। उसी दिन से मतलब हमारे जो गवारिया नाम, गवारिया जो गोर बंजारा नाम बिगड़ के गवारिया नाम, गवार और गवार से फिर ये गवारिया। हाँ, गवारिया। तो गोसाई बाबा को छोड़ दिया यूं करते करते, तो फिर बाद में गुरु नानक साहब मिला, उनके चेले बन गए वहीं से। फिर अब आप कौन कौन सी रस्म में गुरु नानक को अरदास करते हो? हम गुरु नानक साहब को अरदास करते हैं, जैसे हमारे जो बच्चा पैदा होता है तब हम गुरु नानक साहब को जो अरदास करते हैं। अच्छा, एक बात और जो हम सगाई करते हैं, जब हम फिर गुरु नानक साहब की अरदास करते हैं, शादी का वक्त और शादी करते हैं, जब शादी करके और उनको घर लाते हैं उस वक्त फिर करते हैं। अच्छा, मरने का वक्त? और मरने की बात बाद में। और क्या होता है कि मान लो जैसे हमारे जो अस्त्री आदमी की जो औरत मर जाती है, तो दूसरी औरत जो लेके आते हैं ना, जिसके भाई उस औरत का आदमी भी मरा हुआ है और वो बेवा है, उन बेवा को लेके आते हैं, तब फिर हम गुरु नानक साहब को मतलब हवन देते हैं और गुरु नानक साहब की अरदास करते हैं, अरदास करके और वो छांट उसकी डाल के फिर उनको प्रवेश करके अंदर कराते हैं। अच्छा, एक मैं बात बोलूँ बीच में कि जैसे आदमी नहीं रहा, वहाँ भी कुछ ऐसी प्रक्रिया है कि आदमी है और जैसे खत्म हो गया, तो वहाँ भी कुछ ऐसी है प्रक्रिया अरदास की जाती है? हाँ, जो आदमी मर जाता है ना, तो हमारे जो बड़े वहाँ गुरु नानक साहब की अरदास नहीं होती। अच्छा, वहाँ हमारे सगा संबंधी होते हैं, जैसे उनकी मतलब हमारे जो मान लो अब वो भाषा हम करते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगी कि हमारी उनसे सीध होती हैं, दो शब्द होता है, दो शब्द उसके बोलो आप, दो
दो शब्द बोलो नहीं हमारी भाषा में बोलो की को वो टाइम यो कहा कि भाई मारे हेद वाले लाओ तो हेद वालो आवे जन वो आप छांटो नकावे छांटो नका गुड़ लावे गुड़ ला पर वो गुड़ ले जो को नमस्कार कर पर मतलब मेल दिया करे और रोटी लावे रोटी ने है जो को नमस्कार कर पर रोटी मेल दे वो मेल पर जो उनने माना कर माना में सत्रह रो बेटो न्यात रो बेटो मतलब सत्रह रो बेटो यानी मारी सत्रह जाता है सत्रह जाता और लारे मतलब सत्रह जाता है जातिया जो उप जाती है ना मैं तो गवारिया ठीक है ना बंजारा और उसके अंदर सत्रह ब्रांचेस अलग तो वो आके और वो छाट नाग दे छाट नाग पर उन पर जो कोई उन्हें लारे बूढ़ो हो गए तो उन्हें लारे हीरो रांध पर उन्हें मान लो वो रोटी जिमा देवे रोटी जिमा नहीं मान लो हीरो रांधे जना कड़ाई माते जो कड़ाई प्रसाद करा तेरे बड़े गुरु नानक शरण में अरदास कड़ा प्रसाद कड़ाई वाला कड़ा प्रसाद जो अब आपकी जो पहनावा है ना ड्रेसेस वो पुराने वक्त की बात कर रहा हूँ अभी की नहीं वो आपकी दूसरे जातियों से अलग थी हाँ अलग थी अच्छा औरतों के ड्रेसेस में क्या था औरतों के ड्रेस में ये था कि मतलब जो कांचली थी कांचली के अंदर जो इतना तन आता है इतना तन उसमें जो टीके लगाई हुई थी कसीदा पूरा फुल था अच्छा ठीक है वो इतना था अच्छा इतने से लेकर और ये पूरा तन था अच्छा इसके नीचे मतलब पेटी बना देते जैसे पटियों पटियों ये मेरे जो कमीज की चाल है ना जैसे तो उनमें एक एक पट्टी अलग 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 कलर की थी सात आठ नौ कलर की पट्टी डाल देते थे ठीक है हाँ और उसमें कसीदा होता था उसमें अलग कसीदा होता था और जो घाघरा होता था वो कटारिया बांध झूमर बांध कटारिया बांध उसके नीचे वो उनको बोलते लावण 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 कसीदा होता कसीदा लगा के और उसको बोलते लावण और उसके बीच में कटारिया के ऊपर इतनी चौड़ी एक लाल पट्टी थी उनको बोलते लौंगी वो लावण और लौंगी लावण और लौंगी ये निशानी हमारी जो पुरानी रीति रिवाज और गहने के लिए गहना 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 आभूषण गहना यहाँ की थी जाबियां हाँ जाबियां लंबी लंबी लड़े लगाई हुई थी और घूगरा लगाया हुआ था वो आज दिन तक हमारे घर पे पड़ी है ठीक है और यहाँ झूमरे और इधर बोरिया यहाँ बोरिया लगाते थे और एक कंठी और कान में टोटी अच्छा आप सोना पहनना पसंद करते हैं या चांदी पहले चांदी थी अब तो सोना पहनना पसंद कर ही लिया पहले चांदी चांदी अच्छा चांदी पहनते थे चांदी तब उससे पहले क्या पहनते थे कि एक पीतल की मतलब कस आती है पीतल की कस जो आज दिन तक वो मौजूद है हमारे मतलब यहाँ आप पीतल को पसंद करते हाँ तो वो पीतल पहनते पीतल की कस पुरानी बात वो अच्छा अब अपने मुद्दे की बात करते हैं कि जो बच्चों मतलब शादी की प्रक्रिया है आपके घरों में वो कैसे शुरू करते हैं शादी की प्रक्रिया यूँ शुरू करते हैं कि पहले उनकी सगाई कर लेते हैं नहीं जैसे उम्र क्या तकाजा क्या उम्र का उम्र का तो कोई इनका मतलब हिसाब किताब नहीं है जो छोटे की शादी कर लेते हैं बड़े की भी शादी कर लेते हैं वो हमारे इसकी कोई उम्र का कोई हिसाब नहीं है ठीक है अच्छा फिर मतलब सगाई होती है हाँ सगपन होता है तो उसमें क्या क्या शर्तें क्या क्या होती है शर्तें यही होती है कि मान लो जो सगाई कर ली है हाँ जी जिसकी मान लो बेटी है और एक का बेटा है तो बैठ गए सगा सगा आपस में सारे हमारे जो घर के हैं आज मान लो सगे संबंधी बैठ गए सामने सगे संबंधी बैठ गए और लाके और थाली रख दी बीच में थाली रख के थाली के अंदर गुड़ डाल दिया गुड़ डाल के हाँ गुड़ डाल के और हल्दी लाके या हल्दी हो या रंग हो वो लाके भिगो देते हैं थाली के बीच में किनारे पे और बीच में साखिया लगा देते हैं स्वास्थ्य हाँ मतलब साखिया कोर लेते हैं यूँ हाँ वो साखिया कोर के और दो रुपया बेटी का बाप है वो उठ के और हमारे जो बुढ़े आदमी होते हैं उनको देते हैं कि भाई ये मेरी बेटी की दो रुपये आप सगाई के डालो थाली के अंदर तब वो हमारा मान रख लेते हैं जब बेटे का बाप उठ के और दे देता है सामने वाले जो सगा संबंधी उनको बूढ़ा आदमी देख के और उनको बुजुर्ग को देते हैं कि ये दो रुपया मेरे बेटे के हैं जो सगाई के तुम डाल दो वो दो दो रुपया चार रुपया तो वो डाल देते हैं रही बात सगाई की मान लो जो हमारी रस्म है ये जो रीति रिवाज ये तो रस्म है हाँ
अब रीति रिवाज के हिसाब से मान लो कि हम 500 रुपया ले लेते हैं बेटी के, 1000 रुपया ले लेते हैं, 2000 रुपया तक ये हमारा हिसाब है। मतलब समाज की टाबर नहीं देवाने वे तो बता दी भेड़ो ना वे तो ही वे नहीं तो ही, मतलब ये एक समाज की रीत है, रीत है। बाकी 500 में, 1000 में और 2000 में कोई वो शादी होती नहीं है, मतलब ये एक हमारे समाज की रीत है। तो वो इसका हिसाब है भाई, 500 में बेटी दे दी, ठीक है, तो 500 में बेटी दे दी तो उनका क्या करेंगे, वो जो जो हम जो बैठते हैं ना सगा संबंधी, वो सामने वाले हम हैं और दूसरे कोई आ जाते हैं, तो 8 रुपया 100 रुपये के पीछे 8 रुपये लेते हैं, 500 रुपये हो गए, 500 के कितने 40 रुपये बन गए 8 के हिसाब से। अब वो उसी 500 में से खाते हैं, 40 रुपये वो बन गए और 9 रुपया हम बोलते हैं हमारे किरियाने के, जैसे मान लो जो बेटी बेटा वाले जो देते हैं ना सगा संबंधी बनते हैं, वो गुल बदलते हैं, तो किरियाने के बनते हैं हमारे 9 रुपये, 9 और 40 कितने हो गए 49, और 2 रुपया हम बोलते हैं बस्ताई, तो 2 रुपया और डाल देते हैं तब कितना बस्ताई गया। बस्ताई जैसे मान लो कि कोई भी खेड़े की तरफ से वो 2 रुपया उसके अंदर चला जाता है, 51 रुपये बन गए, 1 रुपया रंग का 52 रुपया, जो 500 का काम करते हैं तब ये 52 रुपये, ठीक है। जैसे 2000 का काम कर लेते हैं तो उनके 100 के पीछे 8 रुपये खाते हैं, और जो ऊपर वाले जो आपको हमने रुपये गिनाए 12 रुपये, ये तो होते ही है, चाहे 2000 का काम कर लो या 500 का कर लो या 1500 का कर लो या 1200 का कर लो, वो तो कंपलसरी है। हाँ, वो तो 12 रुपये तो वो आते ही। अच्छा, ये सगाई का, ये सगाई का काम। अच्छा, 52 रुपयों का क्या करते हैं? अब वो 52 रुपया लेके, हाँ, और जो मेरे मान लो घर में घरे आके वो सगाई बना दी, हाँ, तो जिसको हम हुक्म देते थे, अच्छा, 3-4 जात बैठ के और हुक्म दे दिया, मान लो कि भाई किसको कहिए, भूरा जी को हुक्म, भूरा जी वो पला बिछाएगा। अच्छा, अब वे रुपया थाली में से लेके और इस पल्ले में लेंगे। अच्छा, इसमें लेके और वो खेड़े की तरफ से, मतलब 10 रुपया रखो या 20 रुपया रख दो, वो खेड़े की तरफ से रख दिया। अच्छा, और 10 या 20 और खेड़ा, चिंताई का मतलब क्या होता है कि भाई खर्चा पानी का वो लग जाता है, तो उनकी सेवा चाकरी करते हुए 10-20 रुपया उसके हिसाब से रख दो, वो इसी हिसाब से रख देते हैं। बाकी के जो पैसे होते हैं, तो जैसे वो उनका घर गण लेते हैं, भाई हमारे जो मान लो मैं रहता, अब भूरा जी रहते हैं चवा, मैं रहता हूँ बाड़मेर में, भूरा जी बोले यहाँ आके सगाई कर दी तो कि मेरे 20 घर हैं, हमने बोल दिया हमारा 25 घर हैं, कोई बात नहीं, 25 और 20 में कोई अंतर नहीं है, और आधे रुपए तुम ले जाओ और आधे उनको बांट के और 2 जगह कर लेते हैं, क्या बोले, ठीक है, ठीक ठीक, हाँ, बांट के 2 जगह कर लेते हैं। अब ये इनके घर ले गया तो जितना इनका घर है, 4-4 आनी आओ या 8-8 आनी आओ या 5-5 पैसे आओ, ये रसम के पैसे उनको दिए जाते हैं, उनको सारे को देने पड़ते हैं, मतलब एक चाबी हुई चीज, हाँ हाँ, कौन था, सबको देना पड़ता है, सबको मालूम पड़ता है सर, इससे कि सगाई हो गई, हो गई, हो गई, पक्की हो, पक्की हो गई, वो घर पे 10 पैसे भी आए तो मालूम पड़ेगा। अब वो सगाई करने के बाद में कि भाई अब क्या करना है कि इसका एक सगाई पे अभी बात चलने दे, तो मतलब कुछ ऐसा भी मतलब बात है कि लड़कियों को दिया जाता है पैसों के तौर पर, हाँ, पैसे लिए जाते हैं 50,000 रुपये, वो कैसे होता है? वो हमारे समाज में मतलब ये रीत तो है नहीं, रीत नहीं, हमारे पंचों ने बैठ के ये बना ही नहीं, नहीं बनाई, और ठेठ से भी मतलब हमारे कोई किसी ने पैसे ठेठ नहीं है सर, अभी बना है, ये अभी बना है, जैसे क्या वजह रही उसकी वजह, लड़कियाँ कम, हाँ लड़की कम है इसी वजह से, लड़के ज़्यादा है और लड़की कम है, उसकी क्या वजह है कि लड़के ज्यादा है, वो छाने सर के बलि लो, अब देखो उनकी तो ईश्वर को पता है, आपको पता है, नहीं कोई ऐसी पूरी थी तो नहीं है, नहीं नहीं नहीं, ऐसे कोई नहीं भाई, है नहीं मारता जानी, हाँ इसके पास भाई है और ये देता नहीं है, या इनके भाई हो जाती है इनको मार देते नहीं, वो नहीं, वो नहीं होता है, या तो लड़की, अच्छा जैसे मान लो समाज में तो मेरी ये रीत है नहीं, अब मेरे पास लड़की है और मेरे पास पैसे नहीं है, अब सोच लिया कि भूरा जी मेरे पास आ गया, भूरा जी के पास पैसे हैं, और भूरा जी ने सोचा कि बेटी मेरे पास है नहीं और बेटी देने के अलावा मेरे ये सर्पण नहीं होगा, पैसे भगवान की मेरी कृपा है, अगर ये पैसे ले ले तो ये मेरी सगाई हो जाएगी, ये आके बोल दिया उका जी तेरी लड़की ये बोलो मैं आया हूँ, लड़का मेरा है, तो मैंने बोल दिया भाई देखो कि अब तो थोड़े थोड़े सारे लेने लग गए, मगर पंच बैठ के ये बना ही तो नहीं है, अगर सारे लेने लग गए तो
इसमें दोष तो मुझे है नहीं। और बुरा जी मैं तो इतना पैसा लूंगा, तेरी मर्जी है तो कर ले, नहीं तो तेरी मर्जी है। अब मान लो मैंने 1,00,000 मांग लिया, 1.5 लाख मांग लिया, 1.25 लाख मांग लिया, बुरा जी ने बोला कि भाई 50,000 दे दूंगा भाई कि मैं नहीं दूंगा, तो फिर मुझे कौन भी बोलना पड़ता कि मुझे 80,000 रुपये तो वो वाला धाम के गया है। अब वो कौन भी बोलना पड़ता है। अब बुरा जी ने सोचा वो 80,000 दे के और वो पढ़ने शादी करा कर मेरा बेटा तो ऐसे रह गया, तो फिर मुझे लड़की मिले या नहीं मिले, तो भाई तू नहीं भी तो ऐसे करके। और वो पंचों ने नहीं बनाई और मैं समझा और बुरा जी ने समझा। अच्छा वो पैसे आप सबके सामने लेते हो ना? गुप्त फैसला होता है, मालूम सबको पड़ जाता है कि ये रुपए ले लिए। अच्छा अब सभी ले रहे हैं? अब सारे ले रहे हैं, सारे तो नहीं ले रहे हैं। पहले मान लो एक घर ले रहा था, ठीक है, अब मान लो घर नहीं और जाति लेने लग गई। अब जाति में से इतना ही बचा है कि कोई घर नहीं ले रहा है। अब मेरे दादा का घर है, मेरे दादा का मान लो घर है, मैं दलाराम का पड़ पोता हूँ। अब मेरे दलाराम के घर में सिर्फ 2 आदमी पैसे लिए, बाकी के मेरे 500 से ज़्यादा पंड होंगे, हजार है मेरे दादा के, मैं 500 ही बोलता हूँ। हमारे 500 पंड के अंदर कोई पैसे लेने वाले नहीं लिए और नहीं ले रहे थे। अब 2 आदमियों ने ले लिया, अब हम उनको क्या कह सकते, भाई सारा ले लिए तो अब क्या करें, मना उनको कर दिए। एक आदमी ने लिया था तो हमने बैठ के और उनका वापस दिला दिया तो फिर दूसरे ने ले लिया, आप किस किस के करें। अच्छा ये बात, पहले अमुक घर ही लेता था और आज के समय में अमुक घर ही बचा हुआ है जो नहीं लेता। हाँ नहीं लेता, मामला उल्टा उल्टा। अच्छा अब जैसे सगाई हो गई, और सगाई टूट सकती है क्या होने के बाद? टूट जाती है। वो कैसे? वो ऐसे टूटती है ना, मोल टूट गया, जैसे मान लो बच्चे में फर्क हो गया तो सगाई बनी हुई टूट जाती है। अगर नशाखोर है तो टूट सकती है? हाँ, नशाखोर की मतलब नहीं, नशाखोर तो होते ही है, और कोई कोई ऐसा होता है जो नशाखोर होते हैं ना, वो उसी वजह से तोड़ देते हैं। अच्छा खोट क्या? खोट मतलब जो लंगड़ा है, टूटा है, काना है, बहरा है, गूंगा है, ऐसा मतलब जो सगाई के तौर पे वो जो मिल जावे, उसकी पता चल जावे उसका, तो वो टूट जाती है। अच्छा वो पैसे लिए उधर गए? नहीं, वो पैसे तो उनको मिल जाएंगे, वापस मिल जाएंगे। हाँ मिल जाएंगे। अच्छा अब जैसे सगाई तय हो गई, हाँ फिर शादी का क्या? हाँ अब बात तो एक थोड़ी सी बात बीच में आपने बता दी ना कि भाई कि वो टूट क्यों जाती है और टूटती है या नहीं टूटती है। तो पहले हमारे जो सगाई रीति रिवाज ये था कि सगाई करने के बाद में वो सगाई टूटती नहीं थी, ये पुरानी रीति रिवाज के हिसाब, जैसे गूंगा हो या बेरा हो या लंगड़ा हो, कुछ भी हो गई। अगर जो उसको वो सगाई तोड़ दी तो उनको 1700 रुपये दंड के मारने थे, अगर तोड़ दिया तो 1700 रुपये दंड के उनको मारने थे। अभी नहीं, अब नहीं, अब कोई दंड नहीं, क्योंकि वो टाइम छोड़ देते, टाइम बदल गया। तो अब शादी हो गई, जैसे मान लो शादी कर ली, शादी के बाद में फिर बाद में बता दूंगा, फिर इसी तौर पे बता दूँ, शादी कर ली और उनकी शादी हो चुकी, अब चाहे गूंगा हो या बेरा हो या लंगड़ा हो या कुछ भी हो, वो शादी होने के बाद में वो पक्की हो गई, चाहे उनको कमा के और मत खिलावे वो, पर वो दूसरी जगह नहीं जाता। अब शादी की तरफ? हाँ अब शादी की तरफ ही है, वो सगाई हो गई, सगाई करके फिर उनको बोल देते भाई बोलो अब तुम हमारी जान कब बुलाओगे, बेटी वाले को बोलते जान बारात। तो बेटी वाला बोलता है कि भाई अभी तो मैं पूछ सकता नहीं हूँ, और ठीक है मेरे फिर कोई मान लो बियाह शादी और है तो उनके साथ में बुलाऊंगा, और लड़की बड़ी है तो भाई मान लो तुम 12 महीने से करेगा या 2 साल से करेगा, 6 महीने से करेगा, तो ये तो बड़ी लड़की है, तो हमको तो मतलब इनका ब्याह दे, इनकी शादी दे हमको, बस वही सगाई के वक्त तो होता है सर। हाँ हो जाता है लगभग, हाँ लगभग यहाँ हो जाता है, अगर लगभग यहाँ नहीं होता है तो हम घर जाके उनको पूछ लेते, ठीक है तो वो दे देता है। देने के बाद में हम यहाँ से बींद को जैसे पाठ बिठा के क्या करते हैं कि राली बिछा लेते हैं, भाई को सारे भाई है, तन है, अजीज है, सारा को बुला लेते हैं, जैसे मतलब बहनोई है, वाड़ा जी है, जैसे मान लो सगा संबंधी है और कोई है, उनको बुला के और हम राली बिछा के उसके घर में
और वो रंग गाड़ दिया। मूर्त पूछा होगा नहीं होगा? हाँ मूर्त भी पूछा लेते हैं, पहले तो मूर्त नहीं पूछते थे, पुराने रीति रिवाज के हिसाब से। हाँ पुराने रीति बताओ, हम ये कोई मूर्त नहीं पूछते थे, मूर्त एक ही था कि भगवान पे रखो यही मूर्त। और तांडा जैसे लग के फिरते खाते थे, वो जम के नहीं बैठे थे, डेरा डेरा फिरते थे। हाँ तो हर गांव के अंदर वो हम इकट्ठे हो जाते थे, वहीं शादी की बात कर लेते थे, वहीं ये सगाई कर लेते, और बोलते कि भाई हमारा अब ये शादी दे दी तो कहाँ आना है तुमको, भाई के धोरी में ना आ जाओ, कल से डेरों की बात, डेरों की बात, धोरी में ना आ जाओ, और मेरे भाई है उनको मैं बुला के लेके आ जाऊँगा, इधर होके मैं चला जाता हूँ चौटन होते हुए, और तो उनको बुला के वहाँ मैं लेके आ जाऊँगा, तुम्हारे भाइयों को तुम धोरी में नहीं लेके आ जाना, और वहाँ अपन ये शादी कर लेंगे। ठीक है, ये बात हुई तो वो भेड़े हो गए, भेड़े होके और क्या करते हैं कि सरकी लगाते थे, जैसे तूड़ी की सरकी होती वो सरकी बना लेते थे, या तंबू होती तंबू लगा लेते थे, उनके आगे राली बिछा के भाइयों को बुला के कलर गाड़ लेते थे, रंग जो होता है रंग गाड़ के, और थाली के अंदर गुड़ ले लेते थे, गुड़ लेके और उन लड़के को बिठा देते उनको राली पे, उन राली पे बिठा के और बोलते कि भाई अब ऐसे करो, इनका बहनों ही कौन है, उनको बुलाओ, इनको ये घी पावे, घी के अंदर गुड़ डाल देते थे, वो उनका बहनों ही आके और उनको घी पा लेते थे, तड़के घी पा के उसी घी से उनका मुंह पूरा चौपड़ते थे, वो चौपड़ के फिर वो कलर गाल दिया सारे जानियों के ऊपर, वो थोड़ा कलर डाल दिया, कलर डाल के और उनको कपड़ा पहना दिया, सारे कपड़े पहना के उनको तलवार हाथ में दे दी, साफा बंधा दिया, और पुराने रीति रिवाज के हिसाब से हम कोई तुर्रे बुर्रे नहीं लगाते थे, ऐसे सादे, हाँ सादे जो मेरा ये साफा है ऐसे ही रहते थे। मोड़ नहीं। अब मोड़ कुछ नहीं था, यही मोड़ था कि अब दो पीपली के पत्ते तोड़ के लेके आ गए, पीपल के पत्ते दो तोड़ के लेके आ गए, भाई हम जो बींद के बाप हैं तो हम लेके जा रहे थे, और बींदने के लिए बड़ी पूरी ले लेते थे बींद की, और बींदने के लिए सिर्फ ये पग में पहनने के लिए दो जोड़ी जूती ये बींद के घर की होती बींदनी। हाँ तो बाकी की जो बींदनी की सारी जो पहनने के लिए थी वो बाप के घर की, एक मतलब जो जूती थी ना वो बींद के बाप के घर। अच्छा वो हो गया, वो करके फिर वहाँ से जान हम चढ़ा के ले गए, तो सारे साथ में आगे, अब वहाँ मतलब वो गुड़ थाली के लिए अंदर लेके आए थे ना, वहाँ हमको अरदास करनी पड़ी थी, वो अरदास कर लेते थे, शब्द बोलो अरदास के। हाँ अरदास के शब्द बोले। हाँ शब्द बोलेंगे, हाँ बोलो जी वाहेगुरु तुम ठाकर तुम की अरदास, जियो पंडू तेरी राज, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा में सुख घने रे, कोई न जाने तुम्हारा अंत ऊंचे से ऊंचे, भागवन सुभियान शंकरी सुत्तरधारी, तुमको स्वज्ञाकारी तुम्हारी गतमत तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी, बोलो जी वाहेगुरु, पहली पेड़ी नाम की नैना लगी प्यास, कर कृपा मोह रखी गुरु नानक की अरदास, अरदास कमराज पूरे सदगुरु आ, सात दनों के संगत भोजन, पापी दृष्टि को छन में मार बडारो, ठाकर की टेक राख मन माए, जम्बू घर जाए पाप दो घर जाए, बोलो जी वाहेगुरु। दसवीं पास ताई सिमरिय घर नवेंदन धाय, जेते गेते सिमरिय जेते ही भव नाम, हम नानक नीच कर्मा शरण पड़े की राखो शर्मा, मो गरीबन की बीनती सुनो गरीबन आवाज, हम तो पूत कपूत है तो पिता को लाज, बोलो जी वाहेगुरु। नरवेश नराकार जपो आज सत जुगाद, बाबू नानक कहे निराकारी तुझ आगे अरदास, सदा कुर्बानी, बोलो जी वाहेगुरु। संत दास मोजे नाम तपसी लगत होए, अजब तुम अजाब तुम अजब तमाशे तेरे होए, घर बेट ननियो दूध पिलावे ननियो फिर प्यासे होए, ना दे उठे घटा नाई पेरण मुलमुल कासे होए, बोलो जी वाहेगुरु। आप ही जना आप ही बिना आप ही खेल रचाया, जो कुछ लिखाया हर दरगाह में मिटता नहीं मिटाया, मार पियाणा देवे दोषक अलग लखे सो पाया, बोलो जी वाहेगुरु। नानक नाम करते कड़ा तेरे भाण, सब संगत का भला करो, खेड़े बस्ती का भला करो, परिवार में सुख बरतारो, बोलो जी संगत वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। ये शब्द हम बोलते हैं गुरु नानक साहब की अरदास। अच्छा फिर शादी का रस्म होता है। हाँ बारात आती है, अब बारात गई उनके घर, इसको अपन छोटी बात करते हैं, कोई कारण है, बारात आई आई और फिर वही रीति रिवाज है हिंदू वाले, मंत्र वगैरह कौन बोलते हैं?
वही अरदास के अंदर फेरे होते हैं? नहीं नहीं नहीं, ब्राह्मण ब्राह्मण आते हैं, ब्राह्मण आता है, ब्राह्मण आता है, फेरे होते हैं, फेरे होते हैं, शादी हो जाती है, शादी हो जाती है, और खाना पाना चलता रहता है। कितने दिन बारात रुकती है? अब देखो ये कोई ऐसी बात है नहीं, पर ऐसा वो जो अपने सबसे कटा हो, सिर्फ आप लोगों में कोई अलग से रिवाज होता हो वो बता दो, वो कोई खास चीज हो तो खास खास ग्वारियरी, मतलब हम ना खास ग्वारियरी पहचान हो, एक निशानी हो कि ना भैया ग्वारियर में मैं बीजेप के को है। हां तो मावली रीति रिवाज मतलब दूजी जी के को वेरी नो था नहीं बताऊं। अब मान लो उनके घर बारात चली गई, ठीक है, उनके घर बारात चली गई, जब जाके बारात बैठ गई, उनका डेरा लगा दिया बाहर, वो उस डेरे के अंदर बैठ गए और उनको बोल देते भाई बारात आ गई, अब इन बारात को है जो आंगन में लाओ। उनको बोलते हैं कि भाई मान लो कि भाई जान ढुकाओ जना बटो हैंग भिड़ा हो, फिर उन्होंने घरे जावा जना बरी लाओ बरी में कहीं वे मारे के पीठी वे और हल्दी वे मेहंदी वे और कांकन डोड़ना वे और तेल वे और वो जूती वे, जूती अलग देनी पड़े, अभी लाल ला जो थाली मांडे उन थाली मान देना वो दिन और बाजरे में कहीं रह के वो हगी आवे जो हैंग और मत रंग डोड़े, हगी ने बुला और बता दिए सर, और सब सभी में रंग फेंक दिए जो बारात आई है बारातियों पे। हाँ तो वो हगी आप और रंग डोड़ी, हगो नहीं डोड़ेला हगी आप और उनका हैंग और मत लारे उगरे हैंग और मत रंग डोड़ी, वो ढंग रंग डोड़ने रे बाजरे में पे वो बटे उन जगह जो को आवे नहीं, मतलब जो को ऊंकड़ी में कूटने वास्ते उन्होंने कहा हम ही लो मुसल जन वो मुसल उन जगह वो बीन ने बिठावे नहीं उन जगह वो मुसल रोप दे, ठीक है, उनमें रुपयो हवा रुपयो उनमें निकाल कर उन मुसल रोप दे, मुसल रोप और पते आवे बारात जैसे मान लो घर आंगन में आ गई जना पते करणो नागपुर उन लोटे रे माते दोदरो लोटो चढ़ा पर उन वो हाउ आवेला हमें हाउ आप उन पद वो नमस्कार करी जना पद वो बीन तलवार उन लेपुर उन ठरको दे उन लोटे रे कि ये 25 और ठरको दे पर उन पछे आई आरती री थाली ले पर उन जो बड़ हाउ उन आरती करे आरती कर पर उन चा वो लोटो उन में है ना आरती में लोटो वो बजे राली रे माते उबोड़े बीन रे पद एक अड़नेन यूं चार जगह वो पानी जोड़ेला उन बींद रे आड़े पाड़े चार जगह पानी ढोलन उन हिलाम कर पर वो पाछी ले जाई ले जा पर उन पछ उन बींद उठ बैठाण पर उन पछ वो मुसल रोप ला बटे मुसल रोप उन में हवा रिप्योग रिप्योग उन में गाल दिया करे पछ उन मुसल ले देखे उन जगह एक बींद ही बोलो। हां अच्छा उन मुसल के आगे एक बींद और एक उनके साथ में जो सखाया होता है वो रहता वे दो बाकी के जितनी बारात है वो उस डेरे पे रहती और वो दो थे वो उस मुसल के आगे वहीं जमीन पे राली डाल के और वो दोनों वहाँ सो जाते थे। तो उसी समय रोटी थी 8 खाना टंक था 8 टाइम चार दिन रहते थे। अब जैसे मान लो एक दिन बीत गया आज जाके और वहाँ सो गए तब शाम को क्या करते कि वो चंदवा उसके ऊपर रख लेते थे जैसे ये मेरा ये अंगोछा है इस अंगोछे को दो आदमी आगे से पकड़ लेते दो पीछे से और बीच में वो तलवार लेके और बींद यूँ खड़ा होता किसी के घर जाके और औरतें पीछे पीछे गाना गाते चली जाती थी और वहाँ से वो 1 रुपया या 4 आना 8 आना वो घर से दे देते थे भैया आज 4 दिन रहने हैं और घर तो 4-5 है तो एक घर का वो बंदोड़ा ले आया उनको बोलते बंदोड़ा वो बंदोड़ा लेके और घर आके सो गए। दूसरे दिन फिर ये चंदवा तान के और उनको ले जाके दूसरे घर वाले से वहाँ से जाके और वो 4-8 आना लेके आ जाते थे बंदोड़ा लेके और आ जाते वो बासी बंदोड़ा उनको नहीं रहने देते थे। अगर वहाँ से पूरे हो गए तो जो जान में थे मान लो सगा संबंधी उनके घर से भी बंदोड़ा वो ले रहे थे मतलब वो बासी बंदोड़ा नहीं रहने देते थे। हाँ जब तक फेरा नहीं बना। हाँ अच्छा 2 दिन के बाद में फेरा कर लेते या तीसरे दिन फेरा कर लेते थे वो फेरा बारात आने के 2-3 दिन बाद फेरे बाद में फेरे अब कितने दिन बाद होते अब तो जब गए उसी वक्त शाम को फेरा हो जाता। अब हमारी क्या रीति रिवाज तभी से पुरानी है तो वो जान चली गई वहाँ गई ना तो उनको रंग ले रहे थे थाली मांड के और रंग ले रहे तब 8 रुपया रंग का कितना 8 रुपया अगर उनका छोटी बच्ची है और उनको वहाँ छोड़ दिए तो उनका क्या है कि 8 रुपया ले लिया और 8 बाकी रख दिया भाई इनकी सब मान लो इनका हलाना लेके आएंगे तब 8 रुपया छोटी हलाना रहेंगी। हाँ। तो वो बाराती उस बारात के साथ उस बच्ची को नहीं लेके जाते थे। हाँ हाँ
और 8 रुपए देते थे और 8 रुपए अपने पास रखते थे। 16 रुपए होते थे तो 8 रुपया उसके पास रख लेते थे। अच्छा, अरे वो उनको भाई बड़ी है और इनको अब साथों साथ ले जाएंगे, तब उनका वो 16 रुपया दे देते, उनको रंग का बोलते थे 16 रुपया। उस रंग का क्या करते थे, दारू ला रहे थे, दारू लाते वो 16 रुपया कमाइंड करते। हाँ, 8 रुपया हो या 16 रुपया हो, वो दारू में डाल देते थे और फिर बाद में प्रेम के मांगते थे, एक बोतल देता वो लड़की के बाप वाला और एक बोतल दे देते थे लड़के के बाप वाला, ठीक है सब वो प्रेम के, और वो 8 रुपए की दारू ला के वो भी उसके अंदर डाल देते थे। वो रंग कब होता कि जब तक बकरा नहीं कटा इससे पहले, और रोटी बकरा रोटी नहीं बनी तब तक रंग नहीं, बकरा काटना पड़ता उसको रंग कहते हैं। हाँ, और वो दारू उनके ऊपर वो बपराते उनको बोलते रंग रंग। अब भाई रंग रंग रस्म। हाँ, अगर मान लो जो रंग करने में कोई जैसे समाज का आदमी एक है और उनको मान लो न्याय से बाहर किया हुआ है, वो अंदर आके बैठ गया, वो बेटी का बाप बोलता है कि ये मेरा सगा है या मेरा साला है या मेरा मतलब रिश्तेदार है, मैं इनको नहीं हटाऊंगा यहाँ से, तो बारात वाला वो बोलता था कि शादी तो हो गई क्या, हो गई तो हम रंग नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। इसको साथ में नहीं बिठाएंगे और हम रंग नहीं लेंगे, वो लड़की को छोड़ के चले जाते थे और रंग भी वहाँ छोड़ के चले जाते थे, रंग के लिए दोबारा उनको बुलाना पड़ता, फिर बाद में वो रंग करवाता, क्योंकि हमारे मतलब वो रंग के बिना लड़की जा नहीं सकती, नहीं जाती। हाँ, रंग के अलावा अगर लड़की को भेजें और रंग नहीं लिया तो अपने समाज की नहीं है क्या, ये दूसरी समाज की क्या, लड़की जो रीति रिवाज के हिसाब से जो रंग से जाती है वो 4 भाई की बेटी होती है, हमारे जो समाज की बेटी होती है, और जो बिना रंग जो चली जाती है तो बिना रंग वाली वो मतलब हमारी नहीं है, ये किसी और की है, इसीलिए मतलब वो रंग की रस्म है, रंग की रस्म। अच्छा, फिर जैसे रंग हो गया, हाँ, फिर बच्ची छोटी है तो छोड़ के चले जाओगे, छोड़ के चले जाएंगे तो दोबारा 8 रुपए जो बाकी रखेंगे वो फिर उनको लेने के लिए आएंगे, वो पल्ला मंडाएंगे बोलते हैं, उसको डायजा देते हैं, वहाँ वो रंग की थाली मांड लेते हैं, थाली मांड के फिर उनको बकरा करना पड़ता है, बकरा करके फिर रंग कराना पड़ता है, रंग करा के फिर उनको विदा कर देते हैं। अच्छा, जैसे पल्ला एक मांड दिया उसको वो डायजा दे दिया, 1000 दो या 500 का दो कुछ भी दो, वो दे दिया, नहीं बोला कि भाई पल्ला में एक दूंगा और दूसरा पल्ला फिर बाद में दूंगा, तो उनको बोलते थे भाई कि एक पल्ला बाकी रह गया, और बोल दिया कि भाई मैं दोनों ही हैं मैं साथ में दे दूंगा, तो फिर वो 1000 दो या 500 दो वो दोनों साथ में चला जाता था, और एक पल्ले की बात होती थी तो एक पल्ला बाकी रह जाता, फिर दोबारा वो पल्ला उनको मंडाना पड़ता। अच्छा, शादी हो गई, ठीक है। अब एक बात है कि जैसे शादी चलती रहती थी, अच्छी बात है, तो कमाने का काम दोनों करते थे या अकेला आदमी करते? दोनों साथ में जाता, मणियारी शुरुआत से यही बात है। अब मणियारी सामान लेके और औरत ढाणियों में बेचने के लिए चली जाती थी, और आदमी जो उनको बोलते बुकचा, इतना बड़ा बनाया वो कपड़ा लेके और उसके अंदर बुकचा बना के और वो कूठड़ बांध देते थे मोरों के पीछे, और वो भी बेचने के लिए चला जाता था, ठीक है। बाद में क्या हुआ कि लकड़ी गढ़ने लगे हमारे जो बणजारे, जो कंगी कंगा बनाते थे, तो औरत बेचने के लिए बाहर चली जाती थी और आदमी बैठे बैठे वो कंगी या कंगा वो बनाते थे। शीशम जी का घर में बैठने का जो ट्रेंड है ना, वो काम को लेकर ऐसा नहीं है घर में बैठ गए। अच्छा, एक माफी दीजिएगा, मैं वैसे पूछ रहा हूँ, कोई गंदी रस्म? नहीं, कोई गंदी रस्म नहीं। अगर गंदी रस्म का तो ये है कि मान लो कि ये लड़की जो औरत है हमारे मान लो समाज में और किसी के घर में, और किसी को अगर बुरी नज़र से कोई देख लिया तो उनके लिए हम दंड तैयार करते थे। अगर वो लेके भाग गया तो एक की दो देनी पड़ती, एक की दो समाज में लेंगे, वो भी शादीशुदा ले रहे थे, मान लो शादी वाली लड़की को उठा के और दूसरा कोई ले गया तो उनसे वो वापस वो नहीं लाते, आगे उनकी जो शादी की हुई थी एक तो वो और एक और दूसरी, एक के बदले में दो लाते, तब उसको समाज में लेते लेते नहीं, नहीं, तो जैसे नहीं। एक मैं बात करूँ, जैसे कोई शादीशुदा औरत है, हाँ, है ना, और उसका पति कमजोर है या कोई वजह हो गई है, उसको चाह नहीं रहा है या वो किसी के साथ है और वो औरत भाग जाती है किसी के साथ, तो अब यहाँ आप कैसे फैसला करोगे? जैसे हमारे जो समाज में जो भाग के चली गई जो गवारियों के अंदर जाति में, जाति में
तो हम एक की दो लेते हैं। अगर बाहर चली गई है तो उनको कह देते हैं कि भाई हमारी और तो है ही नहीं है और नहीं हम इनको लाएंगे, इनको वापस नहीं लाएंगे। अच्छा वो किसी ग्वालियर के साथ गई है तब अब और अच्छा वो औरत कहते हैं कि मैं इसके साथ खुश नहीं हूँ और मेरे साथ प्रॉब्लम है तब वो कुछ भी हो वो कहती ही हो हाँ वो अच्छा हाँ। जैसे वो भागे नहीं उससे पहले कहते तो उससे पहले कहते तो हम जाने नहीं देंगे नहीं वो तो ठीक है नहीं वो ऐसी बात नहीं कह रही है जाने की नहीं बोल रही हाँ। वो ये कह रही है मेरे साथ इस आदमी के साथ ये प्रॉब्लम है तब आप क्या करोगे अब प्रॉब्लम है तो तेरी किस्मत में ये लिख गया हम ये थोड़ी कहते हैं मान लो कि हम शादीशुदा किसी और को दे दे ये हमारी रस्म नहीं है वो नहीं नीपू के तो धारी किस्मत है भाई नीपू को तेरा किस्मत यही है तो हम क्या करें। अच्छा अब कोई व्यक्ति है और उसकी औरत किसी कारणवश खत्म हो गई अब उसके लिए क्या है गरगड़ना है कटी है गरगड़ना में जो पहले बताया एक जवान आदमी है उसकी पत्नी चली गई अब उसकी शादी का क्या प्रोसेस है उसका यही है कि मान लो कि अगर जो कुंवारी लड़की जो उसको मिल गई और जो आगे वाला देने के लिए तैयार है कि ये लड़का मान लो कि बिल्कुल रड़ी है और ये अवस्था इसकी उम्र छोटी है और जो मेरी लड़की मान लो कुंवारी है इनको मैं दूंगा तो उनका 3,000 का काम होता है। अच्छा फिर उसके फेरे होंगे वैसे वैसे काम होगा हाँ फेरा होगा वैसी की वैसी वैसी की वैसी होगी और फेरे होंगे 3,000 का काम होगा जो मान लो लड़का लड़का अगर जो शादीशुदा है और उनकी औरत मर गई तो उनको क्या बोलते हैं ये घर बन जाए उसके लिए 3,000 का भागड़ो कौनों पे वर है और जो लड़की मान लो नहीं फिर अगर बुजुर्ग आदमी जैसे 40-50 के बीच करीब करीब है 40 तक मान लेते हैं है ना और उसकी पत्नी की डेथ हो गई उसके लिए क्या है उसके लिए जो कुंवारी लड़की तो मिलेगी नहीं नहीं जैसे उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है हाँ पैसा तो है तो वैसे मैं जो आपको बात बताऊं ऐसा जो मान लो खतंग है और वो पैसा देख लिया और बेटी के सामने नहीं देखा तो समाज वाला तो क्या कर सकता है शादी करके उसके साथ भेज देता है। अच्छा नहीं तो क्या करते हैं कि मान लो सर ऐसा है कि जैसे एजेड है और उसकी पत्नी डेथ हो गई तो पैसे के जोर पे शादी कर सकता है बाकी प्रावधान समाज में ऐसा है कि वो कोई जो जिसका पति मर गया है विडो है उसके साथ उसका एंगेजमेंट मतलब शादी हो हाँ अच्छा अब जैसे जवान लड़की का पति मर गया हाँ उसके लिए क्या है उसके लिए ये है कि जो ससुराल वाले है ना एक मिनट से मैं बात करूंगा कि वो बुजुर्ग के साथ शादी होगी या जवान के साथ होगी तो लड़की जवान है उसका पति मर गया है उसकी शादी जवान के साथ होगी या बुजुर्ग के साथ होगी ये बताइएगा। हाँ इनका ये है कि जो लड़की वाला बाप है ना वो कुछ नहीं कर सकता ठीक है लड़की का बाप ये तो कुछ नहीं कर सकता लड़की और जो वो लड़के का बाप है भाई मान लो उसका लड़का मर गया और उसकी मान लो वो बेवा बहू है तो वो दे सकता है चाहे बुड्ढे को दो या जवान को दो ससुर 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 के हवाले वो उसके हवाले होती है। अच्छा ये समाज में ये तय नहीं है कि बुजुर्ग को दो या युवा को दो ऐसा कुछ भी नहीं ऐसा किसी को भी दे दो किसी को वो उसके ससुर की मर्जी है वो ही देंगे फिर उनका बापा का कोई हक नहीं चलेगा। अच्छा मतलब वहाँ पैसे का कुछ होता है पुराने हिसाब से ही मतलब जो पैसे लगते हैं और पैसे देते हैं जो कुंवारी लड़की है ना वो ऐसे ही मिल जाती है जबकि कुंवारी जो लड़की और जो बेवा होती है उसके 1,50,000 रुपए, 2,00,000 रुपए पहले देते थे पुरानी रीति रिवाज के हिसाब से 2,000, 3,000, 500, 1,000 वो बेवा के इतने मतलब ले रहे थे। सर ये पॉइंट है कुंवारी वैसे मिल सकती है हाँ। लेकिन अगर बेवा है हाँ। तो वो पैसे से ही मिलेगी हाँ। और पैसा भी और वो देने वाला ससुर होता है जो पियर वाला नहीं होता है माँ बाप अच्छा एक मतलब उम्र दराज मतलब बुजुर्ग तो नहीं कहेंगे उसको एक उम्र है जो जिक्र हुआ 30-35-40 तक वो बेवा हो जाती है अच्छा उसके बच्चे हैं तो उनका क्या होगा फिर उसका ये है अगर वो नहीं जाना चाहती है तो वो बोल देती है कि तुम मेरे बाप हो और मैं तुम्हारी लड़की हूँ मैं मेरे बच्चों के साथ रहना चाहती हूँ अगर मेरा गलत रास्ता देख लो तो मुझे तुम खड़े खड़े भेज देना नहीं तो मैं नहीं जा सकूँगा तो वो फिर रहम खा सकता है और बोलता है कि भाई कि मेरी बहू है तो ये सीधे रास्ते आती है सीधे रास्ते जाती है आपका बाल बच्चा पालती है तो मैं क्यों दूँ। अगर उसका कोई कुछ भी उद्माद देख लिया तो उनको रहने नहीं देते उनको बेच देते हैं
बेचने के बाद में मान लो वो उसके घर पहुंचा दी, ये पुराने समय की बात है, तो वो कोई उसका दावा नहीं होता है कि मैं कहीं जाके और मैं मान लो गवर्नमेंट में जाके मैं झगड़ लूँ या रिपोर्ट करवा दूँ, किसी को अंदर बिठा दूँ। ये पहले के हिसाब से कुछ नहीं करती थी, उसके ऊपर एक ओढ़ ना डाल देते थे, वो घर ले जाते उसको फूला फुसला के बच्ची बच्चे जो उसके बच्चे वो उनके जो बच्चे बच्चे है ना वो वहीं रह जाते थे, उनके जेठ है ससुर है देवर है उनके पास रहते थे। वो जरूरी था? हाँ जरूरी था। नहीं, वो अगर चाहती कि मैं लेके जाऊँ तो नहीं नहीं, नहीं। क्यों? ये हो भी नहीं सकता था, मतलब बच्चे वही नहीं वही रहे। अच्छा, वो मिलने कभी आए तो? मिलने कभी आवे तो वो मिलके चल जाए, हमारा इसमें कोई मतलब देने के बाद में नहीं, फिर उससे अटैक नहीं है, मतलब फिर उससे जुड़ा हुआ कुछ नहीं? नहीं, कोई अटैक नहीं है, वो आ सकती है और बच्चे को मतलब ऊपर उसकी शादी शादी की रस्म कौन करेगा फिर? इसकी वो जो बच्चे बच्ची है वो उनका देवर है, वो जो जाने जैसा देवर और जेठ कोई नहीं है तब देवर जेठ तो बात करता हूँ, देवर जेठ तो उनका होता है। नहीं नहीं, अगर देवर जेठ नहीं है तो उसके कड़ुम में भाई होते हैं, रिश्ते भाई वाले मान लो, जो उसके देवर जेठ सगे नहीं है ना, काका ही तो है, तो वो भी कर लेते हैं। नजदीक नजदीक में कोई नहीं है फिर? नजदीक नजदीक में कोई नहीं है, ऐसा तो कभी हुआ भी नहीं, अगर ऐसा हो भी जावे तो मान लो के उसके जो 7 पीढ़ी है 14 पीढ़ी जो भाई है वही जाएगा, वही जाएगा। अच्छा, पति मरने के कितने दिनों में शादी होती है? पति मरने के बाद में मान लो 2-4 महीना 6 महीना 12 महीना वैसे जल्दी कितना टाइम है? जल्दी में जल्दी महीने भर में। बच्चा जैसे छोटा है तब? छोटा जो बच्चा है गोद में तो उनको क्या है कि उनको देने के बाद में वो 2-4 महीने के लिए उनको बोल देते हैं भाई कि ये बच्चा मेरा है और जो ये औरत तुमको दे दी इस औरत को वहाँ रखोगे और बच्चा तुम्हारे साथ रखोगे, जब ये जो दूध अब नहीं पी रहा है तब मैं लेके वापस आऊँगा और तब तक इनको कुछ होना नहीं चाहिए और ऊपर वाले का हाथ तो उनका होना चाहिए और वहाँ ऊपर वाले का हो जाता है तो उसका दोष तुम्हारे में है नहीं, अगर इसी को खाने में पीने में कुछ भी होना नहीं चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए, ये कह के उनके साथ में भेज देते हैं तो वो रख भी लेते हैं 4 महीने 6 महीने फिर बाद में उनको कह देते भाई पूछना चाह रहा था, ये जो आपका रिवाज है कि आप जैसे लड़की का पति मर जाता है तो उसकी वापस शादी कर लेते हो, ये रिवाज क्यों है? जैसे मान लो लड़की बेवा हो चुकी है, अब वो 20 साल में हो या 25 साल में हो तो उनकी उम्र बहुत लंबी मानते हैं, तो उनको मान लो कि हमारे समाज के अंदर जो उनको गलत रास्ता देखें तो अच्छा नहीं लगता है, इसी वजह से ही हम उसको आगे नात्रे दे दिया करते हैं और भी उनकी उम्र पार नहीं होगी इसी वजह से उनको आगे दे देते हैं तो उनकी उम्र निकल जाए और वो अच्छी खास मान लो आदमी के साथ वो उम्र गुजार सकती है, इसी वजह से उनको दे देते हैं। ये जो आप पैसों की बात करते हैं 1-1.5 लाख रुपए, इतने पैसे कहाँ से कमाई होती है? हाँ, ये तो यूँ होता है कि जब मान लो 1 लाख रुपए में जो औरत कहीं मिल गई और वो तय हो गई तो बातचीत करके और पक्की कर लेते हैं, पक्की करके और क्या करते हैं कि भाई मान लो भाई इनायत तन अजीज वहाँ जाते हैं तो वहाँ जाके और बोलते हैं कि भाई हमको मान लो नेत्रा दो, जैसे नोता तो कोई 1000 दे दिया, कोई 500 दे दिया, कोई 2000 दे दिया, तो ऐसे मतलब फिर के सबसे पैसे इकट्ठे करते हैं, इकट्ठे करके और पूरे पैसे लेके और वहाँ जाते हैं उनके घर, उनके घर जाकर क्या करते हैं कि वो जो काम बेवा लुगाई को लेके आते हैं और उनका काम जो करते हैं तो घर में बैठ के नहीं करते हैं, बाहर बैठ के करते हैं, जो बेवा का काम करते हैं वो घर में नहीं होता है, उनका बाहर जाके और पंच बैठ के बार वहाँ करके और वहीं वो पैसे खा जाते हैं, जो जैसे मान लो मैं आपको बताया 3000 का काम होता है। पहले जो सगाई की रस्म शुरू होती है ना उस समय जो लेन देन होता है ना थोड़ा बहुत वो बाहर ही होता है, बीच में नहीं होता है। हाँ, वो बेवा की बेवा के लिए। हाँ, कुछ लोग जाते हैं खास वो वहाँ बैठ के उसका खा बाहर ही बना बाहर ही कर लेते हैं। नहीं, लेकिन ये बेवा की शादी वापस करना ये रिवाज कैसे आया? बेवा की शादी नहीं करते हैं। अच्छा, उसको ऐसे ही लेके आ जाते हैं, उसको बोलते हैं नात्रा।
ओढ़न ओढ़ा देते हैं बस। हाँ ओढ़ना ओढ़ा देते हैं, सीधा ओढ़ना ओढ़ा देते हैं, उनको तो चौरी नहीं चढ़ाते हैं। मतलब रंग रस्म वगैरह दूसरी कोई फेरा नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं, नहीं कुछ नहीं, ज्यादा ओढ़ा देते हैं। हाँ तो ओढ़ना ओढ़ा देते हैं उसको, बस उसको फिर उनको वो ले जाने वाला है उनको गहना पहना देता है, उनको जो मान लो जो अच्छा घाघरा पहना देता है, अच्छे जो कांचली पहना देते हैं, वो सारी जो मान लो वो जो स्वागन होती है ना वैसा ही उनको करते, वो ले जाके करते हैं आपके घर, घर ले जाए, ड्रेसिंग होगी ना रहीं जी, वो तो स्वागन की होगी, वहाँ से ले जाएगी उस टाइम, कुछ नहीं बाकी दूसरा तीसरा कुछ नहीं करते बस उनको। अच्छा मैं एक बात कह रहा था मुझे, जैसे एक लड़की है और वो मतलब आप ही के कबीले में भाई बंद नहीं है, आपके सगे मतलब सगा है ना, तो उनसे उनके किसी लड़के से उसकी दोस्ती हो गई या फिर वो चाहती है कि मेरी उसके साथ शादी हो, है ना, तो फिर आपका क्या वहाँ पर प्रक्रिया है, वो चाहती है आपको कह दी। देखो अब ये तो बात अब बनी है, तो अब बनी है तो अभी तक का हमारे समाज के अंदर ये बात नहीं, नहीं। आज दिन तक हमारे समाज के अंदर मैं आपको बात बताता हूँ, कोई लड़की ऐसी नहीं है और नहीं हुई है जो बोल देती है कि मैं इसके साथ शादी करूंगी, आज दिन तक नहीं और नहीं पहले थी। उसकी शादी की बात कर रहे थे तब वो छिप जाती थी, सुनने के लिए नहीं आ रही थी, बोलना तो उसको मुश्किल था। बहुत बड़ी बात, ठीक है। अच्छा पता चल जाता है कि इसका उसके साथ संबंध है तब वो उसे इलाज कर लेती, बाहर नहीं निकलती। शर्पण क्यों, शादी क्यों? नहीं शादी शर्पण कुछ नहीं किया हुआ है और उसका संबंध हो गया एक दूसरे का, एक दूसरे से खाते भी थे, तब क्या होगा? अच्छा ऐसा होता है ना, नहीं सर आप समझ रहे हैं बात, किसी को मतलब पता नहीं है तो मान लो ये पर्दे के पीछे पता नहीं कुछ भी हो सकता है, ये तो कोई बात नहीं, ठीक है छोड़ो। अब जो पता चल गया है तो हम उस लड़की को मतलब जैसे सबक से उसको कैद कर लेते हैं और उनके साथ में होने नहीं देते, और जो सामने वाला जो आदमी है उनको मतलब जो कुंवारी है लड़की, तो फिर उसकी लड़की की जल्दी शादी करके और भेज देते हैं उनको, जब बाहर बात ज़्यादा नहीं फैलने देते। अगर कुंवारी नहीं है और शादीशुदा है और किसी और से जो वो खाती पीती है और पता चल गया है तो उसके ऊपर हम दंड कर लेते हैं, उनको कुत्ता बना के और सांकल गले में डाल के और उनके आगे जो वो लकड़ी है ना जैसे मतलब उसके आगे वो ठीकरी मिल देते हैं, उस पर पानी डालते हैं वो पीता है, उसी तरह से उसके आगे सांकल का शब्द बोलते हैं कि इनके ये बांकोल कुत्ता है और इनके सांकल डाल दीजिए और ये इसकी लेनी है इसके आगे धर दीजिए, ये दंड था उसको, और फिर उसको खानी पड़ती थी, मतलब शब्द से बनाते थे, चाहे वो पंच क्यों नहीं हो, चाहे वो बड़ा पंच क्यों नहीं हो। लेकिन अगर वो जो एक बलू बिंद्रावत था, बलू बिंद्रावत की लड़की थी, उसका नाम था डाक मलुकी, तो वो कब सूरत थी, मतलब वो सूरत की बहुत हसीन थी, तो एक राजा ने उनको मतलब क्या कहा कि भाई इनकी मैं शादी करूंगा, तो वो लड़की का बाप बोला कि भाई शादी तो ऐसी है कि मेरे समाज वालों को पूछने के अलावा मैं ये नहीं करूंगा, तो समाज वालों को इकट्ठा करके और उनको पूछा, तब बोला कि भाई ये लड़की जो है अपने समाज की है, तो समाज की लड़की है तो मान लो कि अभी इस राजा के साथ में इसकी शादी कैसे होगी, तो उन्होंने बोला कि भाई हो भी नहीं सकती, तो कि अपन तो जंग करेंगे तो जंग करने के लिए तैयार है मगर ये इनकी शादी नहीं करेंगे, तो उनके साथ में मतलब वो जंग हुआ, तो उसमें कुछ लोग उन्होंने मर गए तो कुछ लोग उनके मर गए, फिर भी वो राजा ने उस लड़की को लेकर महल में चला गया, तो वो एक मान लो भगत की भगवान की भगत थी, तो उनको महल में ले जाने के बाद में वो राजा ने उनके सामने देखा तो वो अंधा हो गया, अंधा होने के बाद में वही पाँव में पड़ के बोला कि तू मेरी एक बहन की धर्म की बहन है या मेरी बेटी है, मैं तेरे को वहीं छोड़ के आऊँगा, मेरी आंखें चली गई मुझे आंखें दे, तो वो उसको लेके और घर पहुँचाई और उनकी आंखें वापस आई, तो उनके घर से मतलब उनकी शादी की, वो एक नीली पट्टी का ओढ़ना उनको ओढ़ा के और उनके जो सोने की घुंघरियाँ लगवा कर और उनकी वो शादी करवाई, और कंचली और जो वो लहंगा था उनमें हरी पट्टी लगा के और उनकी वो एक निशानी रखी थी, उसके बाद में मतलब वो राजा कोई किसी को भी नहीं छेड़छाड़ की थी, ये बात थी वहाँ की जी। हाँ बिल्कुल, कहीं तो मले नहीं, मांत कहीं सुको करो नहीं, कहीं मले माने।
ये थोड़ी ना